सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे शुगर का आसान और घरेलू इलाज। शुगर कंट्रोल करने का इंतहाई सस्ता और आसान नुस्खा। शुगर की बीमारी पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है, जिसकी दीगर बहुत सी वजूहात के साथ साथ खुराक का सही इस्तेमाल ना करना और आराम तलबी भी है। आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखें, खाना वक्त पर खाएं और अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से रोज़ाना कम से कम 30 मिनट वॉक या वर्जिश के लिए ज़रूर निकालें। शुगर के मरीज़ मदरजा ज़ैल आजमूदा और बेज़र नुस्खा बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 40 साल से ज़ायद उम्र के ख़वातीन व हज़रात जिन्हें शुगर ना भी हो तो एहतियाती तदाबीर के तौर पर ये नुस्खा इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह शुगर की बीमारी से ज़्यादा अरसे तक महफूज रह सकते हैं। काले भुने हुए चने एक पाव, बादाम की गरी 100 अदद, काली मिर्च 50 दाने, छोटी इलायची 50 अदद, नीम के सूखे पत्ते 100 अदद, इन तमाम चीज़ों को साफ करके एक दो दिन धूप में सुखाकर ग्राइंडर में पीस कर एक जार में महफूज कर लें और दिन में किसी भी वक्त आधा चाय का चम्मच सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें। अपने डॉक्टर की तजवीज़ करदा अद्वियात भी जारी रखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सब लोगों को दुआओं में याद रखें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।